तो दोस्तों फाइनली गुंथर ने काफी बड़ा अचीवमेंट अचीव कर लिया अपने इस रेन में। और दोस्तों इन्होंने अपना 500 डेज को पूरा कर लिया एज आईसी चैंपियन होल्ड किए हुए। और वैसे भी दोस्तों गुंथर इस वक्त ग्रेटेस्ट आईसी चैंपियन ऑफ ऑल टाइम ही है डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री के, क्योंकि इनका जो टोटल डिफेंस है ना वो 70 बार से भी ज्यादा का है। और अब इन्होंने दोस्तों 500 डेज को पूरा करके एक और नया रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करवा लिया है। वैसे दोस्तों आपका क्या रिएक्शन है इस पर हमको जरूर बताइएगा। और अब दोस्तों हम बात करते हैं आज के मंडे नाइट रॉ के बारे में, जो कि जजमेंट डे से शुरुआत होती है। और दोस्तों फिन बैलर प्रोमो कट करते हैं और वेलकम करते हैं मंडे नाइट रॉ पर। और भाई डायमंड प्रिंस का कहना है कि बाकी मेंबर के बारे में अगर आप सोच रहे हो कि कहां पर है, तो मैं आपको बता दूं कि वो बिजनेस देख रहे हैं और जजमेंट डे को और भी काम है और इसीलिए यहां पर नहीं है। और भाई उसके बाद कोडी रोड का इंटरफेरेंस देखने को मिलता है, वो आते ही भाई फिन बैलर और डायमंड प्रिंस काफी अच्छे से ले लेते हैं और बोलते हैं भाई मुझे तो जजमेंट डे के लीडर से बात करना है, लेकिन यहां तो रिया रिप्ली है नहीं। और मुझे लगता है कि रिया रिप्ली ना ही सिर्फ डोमिनिक मिस्टीरियो की मामी है बल्कि डायमंड प्रिंस और फिन बैलर की भी मामी है। और भाई उसके बाद तो क्राउड का रिएक्शन तो देखने लायक था। लेकिन दोस्तों कोडी रोड ने उसके बाद डायमंड प्रिंस को टारगेट करते हैं और बोलते हैं लास्ट वीक तुमने मेरे ऊपर लोबलो लगाया था और तुमको अगर ऐसा लग रहा है ना कि ये चीजें इतनी आसानी से खत्म हो जाएगी ना तो तुम गलत हो। और उसके बाद दोस्तों डायमंड प्रिंस का कहना है कि भाई देख मेरा मैच तो आज जे उसो के साथ होने वाला और अगर तुझे मैच लड़ना है ना तो क्राउन जूल में लड़ते हैं। तो भाई कोडी रोड भी कहां इंकार करने वाले थे, इन्होंने भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। भाई एक और मैच क्राउन जूल के लिए हो गया ऑफिशियल। लेकिन दोस्तों अभी चीजें यहां से खत्म नहीं हुई थी बल्कि इनके बीच थोड़ा हीट जनरेट करने के लिए ब्रॉल होता है। लेकिन भाई आज कोडी रोड के लिए दिन सही नहीं था। हालांकि दोस्तों जे उसो भी आते हैं हेल्प के लिए, लेकिन दोस्तों जेडी मैकडॉन भी वहां आ जाते हैं और डायमंड प्रिंस के साथ मिलकर वो स्टील चेयर से कोडी रोड के पैर पर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद भाई कोडी रोड के फेस से तो साफ दर्शा रहा था कहीं ना कहीं को चोट तो लगी कायदे से। हालांकि दोस्तों उसके बाद ऑफिशियल आके चीजों को कंट्रोल में ले लेते हैं। और आज दोस्तों शो पर हमको ड्रू मैकएंटायर वर्सेस सैमी जैन का मैच भी देखने को मिलता है। भाई मैच तो काफी तगड़ा था और दोस्तों आज के रॉ का सबसे बेस्ट मैच में से एक था। दोस्तों आप इस मैच को एक बार जरूर देखिएगा, दोनों सुपरस्टार ने अपनी काफी जी जान लगा दी जिसको जीतने के लिए। लेकिन दोस्तों लास्ट में रिया रिप्ली की हेल्प की वजह से ड्रू मैकएंटायर क्लेमोर किक लगा के मैच में विक्ट्री ले लेते हैं। और आज दोस्तों बैक स्टेज हमको फिर से एडम पियर्स और निक एल्डिस को दिखाया जाता है, जहां पर भाई निक एल्डिस आज एडम पियर्स से माफी मांगते हैं अपने बिहेवियर को लेकर जो कि इन्होंने लास्ट वीक स्मैकडाउन में किया था। और भाई एडम पियर्स माफ तो कर देते हैं लेकिन इन्होंने आज निक एल्डिस को रॉ में रुकने के लिए बोलते हैं। और अब दोस्तों हम बात करते हैं शो के मेन इवेंट के बारे में, जहां पर हमको जे उसो वर्सेस डायमंड प्रिंस के बीच मैच देखने को मिलता है। दोस्तों ये भी मैच रेसलिंग के हिसाब से काफी शानदार था, लेकिन दोस्तों लास्ट में जब जे उसो स्पेयर लगाने के बाद स्प्लैश देकर पिन करने जाते हैं ना, तभी भाई फिन बैलर आकर रेफरी का ध्यान भटका देते हैं, जिसके बाद पिन ब्रेक हो जाता है। लेकिन दोस्तों जे उसो ने जैसे ही फिन बैलर के ऊपर अटैक करते हैं, भाई पीछे से डायमंड प्रिंस अपना साउथ ऑफ हेवन मूव लगा के मैच में विक्ट्री लेते हैं। लेकिन दोस्तों आज फिर से सिंगल्स मैच में जे उसो की एक और हार। भाई ये क्या हो रहा है जे उसो के साथ समझ में नहीं आ रहा है। अब भाई मैच के बाद जे उसो के ऊपर अटैक चालू रहता है और फिन बैलर कूड अग्रेस भी लगा देते हैं जे उसो के ऊपर। अब भाई उसी के बाद कोडी रोड भी आ जाते हैं जे उसो को सेव करने के लिए, जहां पर दोस्तों सबसे पहले फिन बैलर को रैंप पर ठिकाने लगाने के बाद वो रिंग में डायमंड प्रिंस के ऊपर अटैक करते हैं। और उसके बाद दोस्तों जैसे ही चेयर से उनके पैर पर अटैक करने जाते हैं, तो भाई फिन बैलर सेव कर लेते हैं डायमंड प्रिंस को। और उसके बाद दोस्तों रिंग में कोडी रोड और जे उसो स्टैंड टॉल करते हैं और वहीं से दोस्तों मंडे नाइट रॉ ऑफ एयर चला जाता है। वैसे दोस्तों आपको कैसा लगा आज का मंडे नाइट रॉ हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि आपको ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यूई की इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहे।